तो देखिए दोस्तों, इंडिया होटल में जो मटन है बहुत हेवी क्वांटिटी में बनता है और इतना बड़ा सा डेग है, मतलब कि एक क्विंटल डेढ़ क्विंटल मटन बनता है दोस्तों। और देख सकते हैं मटन का पीस यहाँ पे डाला जा रहा है, एकदम बहुत अच्छे से पका हुआ मटन है, आप देख सकते हैं। हमारा खाना आ चुका है, यहाँ पे बादल है, देखिए चिंगड़ी। चिंगड़ी हमारे फेवरेट, मैंने हमें छोटो बेला थी कि चिंगड़ी खाची यार, हमारे मैंने माछ भात साथ माछे हमें चिंगड़ी ही चाहिए। तुम्हें खूब भालो लागशे। सही बोले हो। हैं, थैंक यू। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, इसलिए तो आते हैं। एकदम कहेंगे कि रांची जब भी आए तो एक बार जरूर आइए यहाँ। এখানকার খাওয়া দাওয়া সত্যি খুব ভালো আর প্রাইস ওয়াইজও খুব সুন্দর, কোনো অসুবিধা হয় না। আর টেস্ট ওয়াইজও আমি বলবো যে রাঁচিতে যত বেঙ্গলি হোটেল আছে তার থেকে অনেক বেটার। नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं हूं नीतीश। और मैं हूं अमन। दोस्तों आज हम लोग आपको रांची का सबसे ऑथेंटिक मटन चावल खिलाने के लिए लेके आए हैं। और जगह का क्या नाम है बादल? बिल्कुल, ये जगह का नाम है इंडिया होटल। जी हाँ, इंडिया होटल अपने मटन चावल के लिए पूरे रांची में फेमस है और यहाँ का खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जहाँ पे आज हम लोग भी आए हैं। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, खाने में क्या क्या होता है, खाना कैसे बनता है और खाने का स्वाद कैसे होने वाला है। तो चले अंदर, बिल्कुल आइए हमारे साथ। और दोस्तों देखिए, ये है इंडिया होटल, 1964 से है और ये रास्ता आपको मेन रोड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा इसका लोकेशन है। हम लोग गूगल मैप का लोकेशन भी डाल देंगे और चलिए आपको लेके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और इसका एंट्रेंस जो है पीछे से है और जैसा कि हम लोगों ने बताया कितने साल पुराना है बादल, 1964। जो बिल्डिंग है ना आप देखिएगा, अंदर हम लोग ले चलेंगे आपको, और पूरा उसी तरीके से पुराना टाइप का है, बहुत ही इसको ऑथेंटिक रखा गया है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बिल्डिंग बहुत पुराना है और सीढ़ी से जाने का है, ऊपर सेकंड फ्लोर में है। चले ऊपर चलते हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को वेटिंग करना पड़ता है और बैठने का है। और मटन की खुशबू आ रही है बादल? हाँ, हमको तो मटन का खुशबू भी आने लगा है और लोग यहाँ पे टोकन लेके वेट करते हैं मटन के लिए, तो सोचिए क्या टेस्ट क्या लाजवाब होगा। अब पूरे रांची में ये होटल फेमस है, अभी से मटन की खुशबू आ रही है। ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, खाना बन रहा है, अभी दोपहर का 12 बज चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो खाना बनता है वो इधर बनता है। और सबसे खास बात है, इतना साफ सफाई आपको कहीं नहीं मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा, देखिए आप पूरा देख सकते हैं ना, मिट्टी का ये किचन है, मतलब कि पूरा चूल्हा देख सकते हैं मिट्टी का बना हुआ है, कोयले पे खाना बन रहा है और यहाँ पे पूरा खाना बनकर तैयार है। काफ़ी साफ सफाई, काफ़ी हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे एक भैया है, आपका नाम क्या है? सीमंत मंडल। कहाँ से है? पुरुलिया से। पुरुलिया। तो जैसा कि ये रेस्टोरेंट बंगाली रेस्टोरेंट है इंडिया होटल, तो जो शेफ़ है जो खाना बनाते हैं पुरुलिया से है। और इधर हम दिखाना चाहेंगे कि पूरा खाना कैसे रखा हुआ है एकदम साफ सुथरा तरीके से। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या क्या रखा हुआ है और एक एक बार सबको वो चला के दिखा देंगे, है ना। तो ये क्या बना हुआ है, इसका नाम क्या है? ये इसका नाम है आलू भुजिया। अच्छा, ये आलू चिप्स बोलते हैं। अच्छा। ये चिकन करी है। चिकन करी कैसे पीस है ये? प्लेट के? प्लेट में दो पीस रहेगा चिकन। अच्छा, प्लेट में दो पीस रहेगा, 110 रुपीस। ये आपका हो गया मसाला कतला। मसाला कत रेहू? मसाला रेहू। ये वाला आपका होगा मलाई रेहू, ये वाला। अच्छा अच्छा, ये आपका सरसों चिंगड़ी, प्रॉन झींगा मछली। अच्छा, सरसों चिंगड़ी। ये आपका हो गया सरसों रेहू, सरसों रेहू है ये वाला। अच्छा अच्छा, ठीक। और इधर भेज वाला? इधर भेज होगा आपका दाल, मसूर दाल। ये आलू परवल का सब्जी है। आलू परवल का सब्जी? परवल का सब्जी ना इसको, आलू परवल का, आलू गोभी का सब्जी, ये परवल का सब्जी, ये परवल का सब्जी जी, ठीक। ये आलू गोभी का सब्जी है, इसको भी चला दें।
ये आलू गोभी का सब्जी, ठीक। ये बंगाली डिश सुक्ता है, अभी ख़त्म होने वाला है सुक्ता, इसको बंगाली डिश में सुक्ता बोलते हैं। अच्छा, तो मीठा पर लगता है। और यहाँ पे देख लीजिए भाई, मटन को रखा गया है, आलू भी है, और इस तरीके से बड़ा परात में रखा जाता है ना। हाँ, बड़ा परात में रखा जाता है। चार पीस मटन के साथ हम लोग एक टू आलू दे देते हैं। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री एक टू आलू रहता है एक प्लेट में, और एक प्लेट में आपका मटन चार पीस रहेगा। चार पीस रहेगा, 150 रुपया लगेगा। 150। तो आप लोगों ने देखा, इंडिया होटल का ये किचन एरिया पूरा मिट्टी का देख सकते हैं, लिपा हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है, पूरा ऑथेंटिक है, और बहुत ही प्राचीन टाइम से कह सकते हैं, 1964, काफ़ी लंबा टाइम होता है तब से ये जगह है। और यहाँ पे देख सकते हैं नॉनवेज का तो खजाना है। चलिए आपको अब आगे दिखाते हैं कि बैठने की क्या सुविधा है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया होटल में जो मटन है बहुत हेवी क्वांटिटी में बनता है, और इतना बड़ा सा डेग है, और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। यहाँ पे जो भैया हैं उनका नाम पूछते हैं, तुम्हारा नाम की? सिमोंता मंडल। सिमोंता मंडल, हाँ। तुम्हारा बाड़ी को था है? पुरुलिया। पुरुलिया, तो ये पुरुलिया से हैं। और देखिए बहुत ही स्वादिष्ट जो खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मतलब कि अदरक लहसुन मिर्चा, जो देसी बंगाली ऑथेंटिक खाना होता है उस तरीके से बना रहे हैं। और आज इसमें कितना मटन होगा? लगभग 50 किलो। 50 किलो, और ये तो एक बार बन रहा है, हमको लगता है दो तीन बार बनाते हैं क्या? दो तीन बार होता है। दो तीन बार होता है, मतलब कि एक क्विंटल डेढ़ क्विंटल मटन बनता है दोस्तों। और देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और इसको बड़े प्यार से धीमी धीमी आंच पे इसको पकाया जा रहा है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने की पूरी व्यवस्था है, इधर सारे लोग बैठते हैं। और यहाँ का मेन्यू कार्ड ये है, मेन्यू कार्ड में देखिए हमेशा यहाँ पे रोज दिन लिखा जाता है, राइस अच्छे, दाल अच्छे, सुक्तो अच्छे, आलू पटोल अच्छे, आलू गोभी अच्छे, आलू भाजा अच्छे, सलाद अच्छे, वेज नॉन वेज आइटम अपना अच्छे, मलाई रुई अच्छे, मसाला रुई अच्छे, सरसों रुई अच्छे, चिंगड़ी सरसों, चिकन, कलेजी, मटन, आज के मेनू। तो जैसा ये बता रहे हैं, यहाँ का मेन्यू कार्ड हर दिन अलग अलग होता है, आपको हर बार अलग कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे काउंटर पे सर हैं, नमस्ते सर। हेलो। तो अच्छा, तो रांची में इंडिया होटल के कितने ब्रांच है, कितना है इंडिया में? यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा, इंडिया होटल का कोई ब्रांच नहीं है, मेन ब्रांच है मेन। अच्छा, तो जैसा ये बता रहे, इंडिया होटल रांची में एक ही है जो कि सबसे पुराना और यही है, और इसका कोई ब्रांच नहीं है, है ना? तो यहाँ पे समय कितने बजे लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं? यहाँ सुबह 10 बजे खुलता है, रात 9 बजे बंद होता है। अच्छा, रात 9 बजे तक कंटिन्यू चलता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ना, अगर आप होम डिलीवरी कराना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर है, और 1964 से है इंडिया होटल, और इसका कोई ब्रांच नहीं है रांची में, सिर्फ और सिर्फ यही इंडिया होटल है जो सबसे पुराना है। आप लोगों को बताएंगे कि आज हम लोग क्या खा रहे हैं। इंडिया होटल रांची का सबसे बेहतरीन होटल, सबसे पुराना होटल, और यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं। सर आप बता सकते हैं कौन कौन आते हैं, ज़्यादातर कस्टमर कैसे होते हैं? कस्टमर देखिए, बंगाली से ज़्यादा लोकल भी आता है, बंगाली पर्सन आपका 30% है वो बंगाली आता है, और आपका 60% तो यहाँ पर लोकल आदमी आता है। तो बहुत सारा आदमी देखिए बाहर से भी आता है, दिल्ली से आता है, उड़ीसा से आता है। तो बस अब हम लोग को भूख लग रही है, और मटन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इंडिया होटल का खाने का टेस्ट कैसा है। और हमारी आज एक गेस्ट आ रही है जो कि प्योर बंगाली हैं, उनसे भी मिलाएंगे और उनके साथ खाने का स्वाद आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों अब हमारे जो फूड पार्टनर है वो आ रही है, आपको मिलाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी फूड पार्टनर, हेलो। हेलो, नमस्कार, कैमन अच्छे सबाई। तो श्रुति हमारी फूड पार्टनर है जो कि बंगाली है, और मुझे लगता है ये यहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छे से बता पाएगी, है ना? हाँ, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि मेरे पापा ना बहुत टाइम से, ये बहुत पुराना है ना, 1964 से है, तो मेरे पापा काफ़ी टाइम से ये बोलते हैं अगर तुमको खाना खाना है तो बस इंडिया होटल का खाना खाओ। फाइनली मेरे को मौका मिला आपके साथ खाने का, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए दोस्तों इंडिया होटल का खाना खाते हैं। और ये राइस देखिए, कौन सा राइस रहता है, चावल? और इस देखिए मटन निकाला जा रहा है, एक आलू पहले रख दिया गया है और मटन का पीस यहाँ पे डाला जा रहा है, एकदम बहुत अच्छे से पका हुआ मटन है, आप देख सकते हैं। ये देखिए भाई, ये है इंडिया होटल का मटन, और चार पीस रहता है, और दाम बहुत कम, बहुत ही सस्ता। ये हम लोग का मटन निकल रहा है। हाँ,
हाँ ले लेंगे, एक मिनट रुको रुको। और ये हमारा खाना आ चुका है, और यहाँ पे बादल है, देखिए श्रुति है, और पूरा यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं चिंगड़ी। चिंगड़ी हमारे फेवरेट, मैंने हमें छोटो बेला थी कि चिंगड़ी खाची यार, मैंने माछ भात के साथ माछे हमें चिंगड़ी ही चाहिए। तुम्हारे खेने स्पेशल की स्पेशल है ना, तो मटन तो माछ सब रकम माछ थे, चिंगड़ी सरसों से सरसों रुई मालाई रुई मालाई कतले सब थे। এটার জন্য আমি আমি এটা খেয়ে নিয়ে আগে তোমাকে বলবো যে কেমন লাগছে। হ্যাঁ না মতলব কি বহুত কেসা লাগ রাহা শ্রুতি, বহুত জাদা এক্সাইটমেন্ট, মতলব কাফি টাইম বাদ ইহাঁ আয়ে আর এসে লাগ রাহা কি মতলব দাওয়াত, আব খতরনাক দাওয়াত হি হোনে ওয়ালা হ্যায়। আলু ভুজিয়া ইধার কা মানে কমন সব জায়গায় এটা থাকে। বেগুন ভাজা, বেগুন ভাজা ভি আবে নি হয় না, হয় কিন্তু আজ হয় না, আজকে হয় না, আজকে অনেক আছে। बहुत अच्छा लग रहा है, और आज हम लोग एकदम प्रॉपरली आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। मेन्यू कार्ड की फ़ोटो तो हम लोग दिखा दिए हैं, और अब शुरू करेंगे थोड़े थोड़े। आप ये बताइए कि सबसे टेस्टी आपको कौन सा दिख रहा है? हमको सबसे अच्छा ये चिंगड़ी देख रहे हैं। मतलब मेरा फेवरेट है चिंगड़ी, एनी वे बंगालियों का मेरे को लगता है चिंगड़ी तो फेमस, मतलब फेवरेट ही होता है। अच्छा, सेकेंड अगर रैंक दिया जाए दिखने में तो आपको कौन सा लग रहा है? मटन। मटन, हाँ मटन यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। मतलब मेरे दो तीन शेफ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि अगर तुमको मटन खाना है तो तुम इधर का खाओ पहले, तो मटन के लिए तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑल्दो आई यूजुअली डू नॉट लाइक। तुम्हें खूब भालो लागशे। सही बोले हैं, थैंक यू। तुमको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, खाना देख कर तो मुँह में पानी ही आ रहा है। अब फटाफट टेस्ट करते हैं खाना। चिंगड़ी है, ये चिंगड़ी क्या है? सरसों चिंगड़ी। ये तो चिकन हो गया, चिकन है, इधर जो मलाई किचू एक तो बोल लो मछली है, मलाई ये तो मटन, मलाई है, ये तो मटन है। ये है परवल आलू, ये है गोभी आलू, ये मटन है, इधर आलू भाजा। इधर मतलब आप अगर वेस्ट बंगाल में कोई पार्टी जाओगे ना, कोई भी अगर वेडिंग पार्टी जाओगे, आपको चिकन विकन नहीं मिलेगा, ये सबसे पहले मिलेगा। और ये ना आलू भाजा मतलब काट के नहीं होता, ये पतला पतला आलू को स्लाइस करके डायरेक्ट ऑयल में फ्राई किया जाता है, और इट इज़ वेरी क्रिस्पी। मतलब इसके बिना बंगाली इसका वेडिंग नहीं होता। ये भी है माछ। नहीं, ये मलाई नहीं है, ये मलाई है, ये वाला मलाई है। हाँ, दिस इज़ मलाई एंड दिस इज़ समथिंग रेहू। हाँ, शुरू करते हैं। और श्रुति मछली खा रही है ना? हाँ, मछली खा रहे हैं, और मेरे को लगता है कि ये सबसे पहले हम खाएंगे, तो इसको सजा लेते हैं भाई। और ये यहाँ पे इसका पूरा ग्रेवी भी रख सकती हो तुम तो भाई हम लोग अब राइस के साथ मटन खा रहे हैं, और ये देखिए राइस को हम थोड़ा सा फैला ले रहे हैं, और यहाँ पे ना आपको दिखाते हैं कि यहाँ मटन का साइज कैसे रहता है। आप देखो, वन पीस ये हो गया, टू पीस, और ये देखो थ्री एंड फोर। बहुत गर्म है, आप देख सकते हो। और एक आलू मिलता है जो कि बंगाली डिश में बिल्कुल रहता है, और ये हमारा थाली देख सकते हैं ग्रेवी के साथ। थोड़ी सी ग्रेवी हम ऐसे ले रहे हैं, और ये देखो मेरा थाली लगभग पूरा तैयार हो चुका है। अब इसका स्वाद हम लोग लेंगे, और मटन कितने अच्छे से ये लोग पकाए हैं ना, वो आप देख सकते हो, बहुत सॉफ्टली एक आपके हाथों से ही टूटेगा, इतना अच्छा मटन है। बहुत गर्म है, बहुत लजीज भी लग रहा है। हम लोग खाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? मस्त, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे से पका है, कुछ वैसा खराब नहीं लग रहा है, परफेक्टली कुक्ड। और थोड़ा सा आलू भाजा। आलू भाजा तो बेस्ट है, वो खाइए आप, बिना आलू के बंगाली इसका खाना नहीं बनता। बोलो। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं मटन। वैसे मैं पहले भी इंडिया होटल का मटन टेस्ट कर चुका हूँ। ये मटन के पीस, बहुत ही बढ़िया, और इसका जो मीट है ये काफ़ी अच्छे से पका है अंदर तक। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ का खाना कंप्लीट करते हैं, और आप लोगों से मिलेंगे जल्दी ही कोई नई वीडियो में। और इस जगह की वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि रांची में सबसे पहला ये मटन का ये है होटल है, जो कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और अगर आप यहाँ पे आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और अब तक के लिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, और खाना पूरा इन्जॉय करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा नितिशा कुज़ीन।